मेरा उनके साथ बहुत कम टाइम गुजरा क्योंकि वो ज़्यादातर बाहर रहते थे, तो उतना टाइम नहीं गुजरा। जब वो वापस आते थे तो मुझे कहते मेरे पास आओ, तो मैं उनके पास नहीं जाती थी, ज़्यादातर अम्मी के पास ही रहती थी। कैसे अब्बू थे वो? बहुत अच्छे, याद आते हैं? क्या बताऊँ। उनके साथ तुम कभी बाहर गई मुल्क से? जी हाँ, बहुत दफ़ा। कोई ऐसा किस्सा जो तुम्हें याद हो उनके साथ वक्त गुजारने का? जब मैं 4 साल की थी सफारी पार्क में जब हम गए, तो मेरा वो स्लाइड पर चढ़ने का बड़ा दिल कर रहा था, तो मैंने अम्मी से कहा कि मुझे वहाँ पे जाना है, तो अम्मी ने कहा नहीं तुम वहाँ पे मत जाओ। तो मैंने अब्बू से कहा कि अम्मी मुझे वहाँ पे नहीं जाने दे रही, तो अब्बू ने फिर अम्मी को डांटा कि तुम क्यों नहीं जाने देती हो, क्यों उसे रोक रही हो, जाओ। फिर उन्होंने मुझे खुद उठा के चढ़ाया, और फिर जब मैं स्लाइड लेती तो बड़ा खुश होते थे वो, बड़ा क्लैपिंग करते थे मुझे देख के, बड़ा खुश होते थे। तो वही मैं वो तुम्हें सबसे ज़्यादा याद है। क्या तुम्हें ऐसा लगा कि म्यूज़िक में मसरूफियत उन्हें तुमसे दूर ले गई? जी हाँ। तुम्हें गुस्सा आया इस बात पे कभी? कभी कभी गुस्सा भी आया। और फिर तुमने कभी उनसे लड़ाई की? नहीं, नहीं की कभी भी। तुम्हें उनका गाना कैसा लगता था? बहुत अच्छा, मुझे उनका पॉप सॉन्ग मेरा गम और मेरी हर खुशी तुमसे है बहुत अच्छा लगता है, वो मैं सुनती हूँ रोजाना। और इसके अलावा कव्वाली में कोई पसंद है तुम्हें? कव्वाली में मुझे अल्लाहू बहुत बहुत शौक से सुनती हूँ मैं। क्या तुम्हें खुद गाने का शौक है? सिर्फ सुनने की हद तक।